CEW 102 की कक्षा में आज हम किसी भवन के विद्युत संस्थापन के लिए विद्युत भार की गणना करना, परिपथ बनाना, मेन स्विच व वितरण बॉक्स की क्षमता ज्ञात करना तथा केबल का चुनाव करना व वोल्टतापात और विद्युत हानि की गणना करना अर्थात लोड कैलकुलेशंस, प्लानिंग ऑफ सर्किट्स, सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, केबल सिलेक्शन विद वोल्टेज ड्रॉप एंड लॉस कैलकुलेशन का अध्ययन करेंगे। किसी भवन में विद्युत भार, विद्युत उपभोग बिंदुओं की संख्या व उनके द्वारा खर्च की गई शक्ति पर निर्भर करता है। कुछ उपकरणों पर यह पावर लिखी होती है, परंतु आंकलन अर्थात एस्टीमेटिंग हेतु उपभोग बिंदुओं की शक्ति क्षमता को गणितीय विधि से निकाला जाता है, जिसे हम लोड चार्ट द्वारा निकाल लेते हैं। और एक बार लोड का पता चल जाने पर इसी के आधार पर मेन स्विच, वितरण बोर्ड तथा विद्युत वायरिंग के तार की क्षमता की गणना भी की जा सकती है तथा साथ ही साथ वोल्टतापात व विद्युत हानि की भी गणना गणितीय विधि से ही की जा सकती है। किसी भी भवन में वायरिंग करते समय एक अच्छी धारा क्षमता के विद्युत तार अथवा केबल का चयन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तार का चयन उस भवन के परिपथों में संयोजित भार के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यदि हम अच्छी गुणवत्ता के तार का चयन नहीं करेंगे तो आगे चलकर समय समय पर विद्युत संस्थापन में विभिन्न दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज हम इस अध्याय में किसी भी भवन के विद्युत भार की गणना करना सीखेंगे व विद्युत भार के अनुसार मेन स्विच, वितरण बोर्ड आदि की क्षमता भी ज्ञात करना सीखेंगे। और एक बार विद्युत भार ज्ञात होने के बाद प्रयोग में लाई जाने वाली तारों के साइज को निकालना भी सीखेंगे। साथ ही साथ तारों में होने वाले वोल्टतापात व ऊर्जा क्षति के मान को गणितीय विधि व केबलों से संबंधित तालिकाओं द्वारा निकालना भी सीखेंगे। किसी भी भवन की आंतरिक वायरिंग के लिए सर्वप्रथम उसका विद्युत आरेख बनाया जाता है, जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। और इस विद्युत आरेख में लगने वाले सभी उपभोग बिंदुओं को विद्युत प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जब विद्युत आंतरिक वायरिंग की योजना बनाने का कार्य समाप्त हो जाता है तथा विद्युत आरेख पूरा बन जाता है, तब कुल संयोजित भार की गणना की जाती है, जिससे कुल संयोजित भार का पता चलता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है, जिसके आधार पर आगे की गणनाएं की जाती हैं, जैसे मेन स्विच का आकार एवं क्षमता, कुल परिपथों की संख्या, वितरण बोर्ड का आकार तथा वायरिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली केबलों का साइज आदि। साथ ही साथ हम केबलों के अंदर होने वाले वोल्टतापात और विद्युत हानि की गणना भी कर सकते हैं। अतः इस अध्याय में हम यह कार्य निम्न चरणों में पूरा करेंगे। सर्वप्रथम लोड की गणना करना, तत्पश्चात परिपथों की योजना बनाना, मेन स्विच की क्षमता ज्ञात करना, वितरण बोर्ड की क्षमता ज्ञात करना, मुख्य केबल व अन्य परिपथों के लिए केबलों का चयन करना व तारों में होने वाला वोल्टतापात
तथा विद्युत क्षति अर्थात लाइन लॉसेस की गणना करना। तो सर्वप्रथम लोड की गणना करना अर्थात लोड कैलकुलेशन। संयोजित भार की गणना करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस आधार पर हम परिपथों की संख्या, मेन स्विच व वितरण बोर्ड, ऊर्जा मीटर आदि की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही साथ केबल की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं। अतः लोड की गणना हेतु सर्वप्रथम जितने भी उपभोग बिंदु उस भवन में लगे हैं अथवा लगाए जाने हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भवन में लगे उपभोग बिंदुओं के भार का अनुमान लगाने के लिए अनुमानकर्ता को अनुमानित विद्युत भार तालिका द्वारा बहुत सहायता मिलती है। ऐसी अनुमानित विद्युत भार तालिका आपको चित्र में दिखाई जा रही है। जैसे साधारण बल्ब की अनुमानित शक्ति 60 से 100 वाट के लगभग मानी जा सकती है, इसी प्रकार 2 फुट की ट्यूबलाइट को 30 वाट का माना जा सकता है, जिसमें 20 वाट ट्यूबलाइट की शक्ति व 10 वाट चोक की शक्ति भी शामिल है। इसी प्रकार 4 फुट की ट्यूबलाइट को 50 वाट का माना जा सकता है, अर्थात 40 वाट ट्यूबलाइट का व 10 वाट चोक का। इसी प्रकार आगे CFL 2 से लेकर 84 वाट तक आती हैं। 5 एम्पियर के सॉकेट को 100 वाट का माना जा सकता है, 15 एम्पियर सॉकेट 1000 वाट का माना जाता है, छत का पंखा 60 से 100 वाट के लगभग माना जाता है, निकास पंखा अर्थात एग्जॉस्ट फैन को 100 से 250 वाट का माना जा सकता है, कूलर पंप सहित 300 से 500 वाट के लगभग माना जा सकता है, फ्रिज की अनुमानित शक्ति 500 वाट के लगभग हो सकती है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट के लगभग हो सकता है, रंगीन टेलीविजन 150 वाट व वॉशिंग मशीन 500 वाट के लगभग हो सकती है, वॉशिंग मशीन हीटर युक्त 2000 वाट के लगभग मानी जा सकती है। वैसे इन मशीनों के स्पेसिफिकेशंस में ये वाटेज लिखी रहती है। कंप्यूटर को 250 से 400 वाट का माना जा सकता है, गीजर बाजार में 1000 से 3000 वाट की अनुमानित शक्ति के मिलते हैं, VCR 65 वाट, CD प्लेयर 75 वाट, इन्वर्टर बिना लोड 50 से 200 वाट, फोटोस्टेट मशीन लगभग 2000 वाट, एयर कंडीशनर 1.5 टन 2000 से लेकर 3000 वाट, प्रेस अर्थात इस्त्री 750 से 1000 वाट, इमर्शन हीटर 500 से 2000 वाट, टोस्टर 750 से 1000 वाट, हीटर 1000 से 2000 वाट व हीट कन्वेक्टर 1000 से 3000 वाट की अनुमानित शक्ति में मिलते हैं। अब हम एक उदाहरण द्वारा लोड की गणना करना सीखेंगे। माना किसी घर में निम्न उपभोग बिंदु हैं। लैंप लगभग 10 हैं, ट्यूबलाइट 6 हैं, पंखे 5 हैं, वो 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट 8 हैं और 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट 4 हैं। तो इस भवन का कुल संयोजित भार ज्ञात कीजिए। इस उदाहरण में सर्वप्रथम
हम ये देखेंगे कि कौन कौन से उपभोग बिंदु प्रकाश पंखा परिपथ के अंतर्गत आएंगे तथा शक्ति परिपथ में कौन कौन से उपभोग बिंदु आएंगे। इस कार्य को सरलता से करने के लिए यदि एक तालिका इस प्रकार से बना ली जाए तो बहुत सहायता मिलती है। चित्र में आप तालिका देख रहे हैं, इसमें लैंप 10 है जिसका कि अनुमानित भार 60 वाट माना गया है। इस प्रकार उन लैंपों का कुल अनुमानित भार 600 वाट करीब होगा। इसी प्रकार ट्यूबलाइट 6 है और उनका अनुमानित भार 50 वाट माना गया है और कुल अनुमानित भार 300 वाट होगा। पंखे 5 हैं जिनको 100 वाट का माना गया है, इस प्रकार उनका कुल भार 500 वाट के लगभग होगा। इसी प्रकार 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट की संख्या 8 है और उनका अनुमानित भार भी 100 वाट माना जाता है, इस प्रकार कुल भार 800 वाट होगा। यदि इन सभी का कुल अनुमानित भार को जोड़ दिया जाए तो यह 2200 वाट होता है और बिंदुओं की संख्या को भी यदि जोड़ा जाए तो यह 29 बिंदु के करीब आता है। अतः इस प्रकार इस भवन में प्रकाश पंखा परिपथ से संबंधित कुल बिंदुओं की संख्या 29 है तथा उनका कुल अनुमानित संयोजित भार 2200 वाट है। यदि शक्ति परिपथ से संबंधित विद्युत भार की गणना की जाए तब 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट की संख्या 4 है और प्रत्येक 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का अनुमानित भार 1000 वाट है, अतः कुल अनुमानित भार 4000 वाट होगा। तो इस प्रकार इस उदाहरण में भवन का कुल संयोजित भार 6200 वाट होगा, यानी प्रकाश पंखा परिपथ का विद्युत भार धन शक्ति परिपथ का विद्युत भार जो कि 2200 वाट धन 4000 वाट है, अतः 6200 वाट होगा। अब हम भवन में परिपथों की योजना बनाना सीखेंगे। परिपथों को निम्न दो भारतीय विद्युत अधिनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रकाश पंखा परिपथ का निर्धारण करना। किसी भी प्रकाश पंखा परिपथ में 10 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए व विद्युत भार 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शक्ति परिपथ के अंतर्गत किसी भी शक्ति परिपथ में 2 से अधिक बिंदु नहीं होने चाहिए व विद्युत भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार भवन में प्रकाश पंखा परिपथ से संबंधित बिंदुओं की संख्या 29 है तथा कुल अनुमानित विद्युत भार 2200 वाट है, अतः प्रकाश पंखा परिपथ नियम के अनुसार इस भवन में बिंदुओं की संख्या के अनुसार 3 परिपथ बनाने होंगे तथा विद्युत भार के अनुसार भी 3 परिपथ ही बनाने होंगे। अतः हम उपरोक्त उदाहरण में प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 3 उप परिपथों की अनुशंसा कर सकते हैं। इसी प्रकार शक्ति परिपथ में भी बिंदुओं की संख्या के अनुसार 2 परिपथ तथा शक्ति के अनुसार भी 2 परिपथ की अनुशंसा की जा सकती है। अब हम मेन स्विच की क्षमता ज्ञात करना सीखेंगे। मेन स्विच की क्षमता से अभिप्राय यह है कि वह कितनी अधिक से अधिक धारा वहन करेगा व उनमें लगने वाली सुरक्षात्मक युक्तियों की धारा क्षमता क्या होगी। अतः मेन स्विच की धारा क्षमता उसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली कुल धारा पर निर्भर करती है।
उपरोक्त गणना अनुसार भवन का कुल भार 6200 वाट है व भवन की सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है। अतः मेन स्विच की धारा क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा गुणा शक्ति गुणांक होता है, अर्थात P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू कॉस फाई। यदि शक्ति गुणांक को एक मान लिया जाए तो शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा होती है। इस प्रकार धारा बराबर शक्ति बटे वोल्टेज होगा। यदि ये मान रखे जाएं, तब धारा बराबर 6200 बटे 230 होगी और इसकी गणना करने पर धारा 26.956 एम्पियर के लगभग आएगी। अब क्योंकि बाजार में DPIC स्विच अर्थात डबल पोल आयरन क्लैड स्विच 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर की क्षमता में ही उपलब्ध होते हैं, अतः 32 एम्पियर की क्षमता वाला मेन स्विच का चयन उचित रहेगा। अब हम वितरण बोर्ड की क्षमता ज्ञात करना सीखेंगे। वितरण बोर्ड का चयन परिपथों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः उपरोक्त उदाहरण में प्रकाश पंखा परिपथों की संख्या 3 है तथा हम जानते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार प्रकाश पंखा परिपथ में 6 एम्पियर का फ्यूज अथवा MCB को लगाया जाता है तथा शक्ति परिपथ के लिए 16 एम्पियर का फ्यूज अथवा MCB लगाया जाता है। अतः इस उदाहरण में यदि भविष्य में विद्युत भार बढ़ने अर्थात फ्यूचर एक्सटेंशन का भी ध्यान रखा जाए तो हम वितरण बोर्ड का इस प्रकार चयन करेंगे। प्रकाश पंखा परिपथों की संख्या बराबर 3 है और शक्ति परिपथों की संख्या 2 है। अतः इस प्रकार कुल मिलाकर 5 परिपथ हो जाते हैं तथा दोनों प्रकार के परिपथों में फ्यूज अथवा MCB की क्षमता अलग होती है। बाजार में एक फेज के वितरण बोर्ड निम्न आकारों में उपलब्ध होते हैं, 4 मार्गीय अर्थात 4-way, 6 मार्गीय अर्थात 6-way, 8 मार्गीय अर्थात 8-way व 12 मार्गीय अर्थात 12-way। अतः इस प्रकार यदि हम 6 मार्गीय वितरण बोर्ड का चयन करें जिसमें एक मार्ग का उपयोग भविष्य के विद्युत भार के लिए किया जा सकता है तो इस भवन में 6 मार्गीय वितरण बोर्ड का चयन उचित रहेगा। तो आइए अब हम मुख्य केबल व अन्य परिपथों के लिए केबलों का चयन करना सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि आधुनिक घरों में अनेक परिपथों का निर्माण किया जाता है, अतः किसी परिपथ में अधिक धारा तथा किसी परिपथ में कम धारा प्रवाहित होती है। अतः धारा की क्षमता के आधार पर ही तारों का चयन किया जाता है। जैसे लाइट और पंखा परिपथ के लिए कम धारा की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए आजकल 1 मिलीमीटर का तार प्रयोग में लाते हैं और शक्ति परिपथ में अधिक धारा की आवश्यकता होती है, इसके लिए 1.5 मिलीमीटर के तार को प्रयोग में लाया जाता है और अर्थिंग के लिए
दोनों परिपथों के लिए 0.75 मिलीमीटर के ऑटो वायर का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। यदि तारों का चयन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो हमें कठिनाई हो सकती है। यदि हम परिपथ की धारा क्षमता से कम क्षमता का तार प्रयोग करते हैं, अर्थात जहां 1.5 मिलीमीटर का तार प्रयोग करना हो वहां 1 मिलीमीटर का तार प्रयोग में लाएंगे, तो तार का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे वह गर्म हो जाएगा व शक्ति की बर्बादी भी होगी। इससे विद्युत का बिल अधिक आएगा व वोल्टतापात भी अधिक होगा। अतः किसी केबल का चयन करते समय मुख्यतः निम्न 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम, चालक का सबसे न्यूनतम आकार। यह मुख्यतः यांत्रिक कारणों से किया जाता है, ताकि केबल को मोड़ने, बिछाने अथवा खींचने में चालक टूट ना जाए। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार घरों की वायरिंग हेतु केबलों का माप निम्न माप से छोटा नहीं होना चाहिए। कॉपर के तार का न्यूनतम माप 1.5 मिलीमीटर होता है। यदि हम एल्यूमिनियम के तार को प्रयोग में लाएं, तो उसका न्यूनतम माप 1.8 मिलीमीटर होना चाहिए। प्रयोग में लाई जा रही फ्लेक्सिबल तार का माप 14/1193 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु धारा क्षमता का है। धारा क्षमता का चयन इस प्रकार का होना चाहिए कि निर्धारित धारा क्षमता पर तार गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि केबल के अंदर उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। परंतु कुछ कुचालकों की ताप वहन शक्ति अधिक होती है, जैसे पेपर, कॉटन आदि। अतः इस तरह के कुचालकों से बनी केबलों की धारा क्षमता अधिक हो जाती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब बहुत सी केबलें एक कंड्यूट में डाली जाती हैं, तो उनकी धारा क्षमता कम आकी जाती है। इस प्रकार केबल का चयन करने हेतु केबल की धारा क्षमता पर आधारित तालिका की सहायता ली जाए तो बहुत आसानी होती है। इस तालिका में प्रत्येक साइज की केबल की धारा क्षमता लिखी रहती है व उससे संबंधित वोल्टेज ड्रॉप की सूचना भी रहती है। तीसरा बिंदु वोल्टेज ड्रॉप से संबंधित है। हम जानते हैं कि केबलों में प्रयुक्त चालकों में प्रतिरोध होता है, तथा इसको निम्न सूत्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई बटे क्षेत्रफल के, या प्रतिरोध बराबर होता है रो लंबाई बटे क्षेत्रफल के, जहां पर रो विशिष्ट प्रतिरोध को इंगित करता है। इस सूत्र में R प्रतिरोध, L लंबाई व A तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अतः प्रतिरोध R लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और जब लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध भी कम होता है। ठीक इसके विपरीत प्रतिरोध अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब तार मोटा होता है तो प्रतिरोध कम होता है
और जब तार पतला होता जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। वोल्टतापात भी प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अतः जब प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टतापात अधिक होता है। भारतीय विद्युत अधिनियमों के अनुसार घरेलू संस्थानों के अंदर वोल्टतापात की निर्धारित सीमा निम्न प्रकार है। प्रकाश पंखा परिपथ की वायरिंग के लिए कुल सप्लाई का 2% धन 1 वोल्ट, शक्ति परिपथ के लिए मेन सप्लाई का 5% धन 1 वोल्ट तथा BIS 732 के अनुसार सप्लाई वोल्टेज का 3% से ज्यादा वोल्टतापात नहीं होना चाहिए। अतः उपरोक्त उदाहरण में कुल विद्युत भार बराबर 6200 वाट है तथा अधिकतम धारा W/V अर्थात 6200/230 बराबर 26.69 एम्पियर है, जिसको कि हम मेन स्विच का साइज निकालते समय ज्ञात कर चुके हैं। अब हम इस उदाहरण में मेन स्विच से वितरण बोर्ड तक की केबल का चयन करेंगे। मेन स्विच से वितरण बोर्ड तक जो केबल लगेगी उसकी क्षमता अधिकतम धारा 26.69 एम्पियर को वहन करने की होनी चाहिए। अतः केबल की तालिका में देखने पर 7/20 माप की केबल का चयन किया जा सकता है। यदि ऑटो वायर लगानी हो तो यह क्षमता हमको 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल में प्राप्त हो जाएगी। इसको ज्ञात करने के लिए केबल की तालिका को देखें। अब हम प्रकाश पंखा परिपथ के लिए केबल का चयन करना सीखेंगे। क्योंकि प्रकाश पंखा परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट माना जाता है, अतः अधिकतम धारा होगी W/V यानी 800/230 वोल्ट बराबर 3.47 एम्पियर। अतः इस प्रकार प्रकाश पंखा परिपथ में हम निम्न माप की केबल का चयन कर सकते हैं। 1/18 जिसकी धारा क्षमता 5 एम्पियर होती है। 3/22 जिसकी धारा क्षमता 10 एम्पियर है। यदि परिपथ में तार की लंबाई अधिक हो तो वोल्टतापात अधिक हो जाता है। इसी कारण हमें अधिक क्षमता की केबल का चयन करना पड़ता है, जिस कारण वोल्टतापात निश्चित सीमा में रहे। अतः 3/22 की केबल को तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए यदि परिपथ में लंबाई अधिक हो। 1 मिलीमीटर की ऑटो वायर जिसकी धारा क्षमता 11 एम्पियर होती है, इसका चयन भी वोल्टतापात पर ही आधारित होना चाहिए। अब हम शक्ति परिपथ के लिए केबल को चयन करना सीखेंगे। शक्ति परिपथ में भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार अधिकतम भार 3000 वाट रखा जाता है। अतः धारा बराबर 3000/230 वोल्ट बराबर 13.04 एम्पियर होगी, जबकि शक्ति गुणक 1 है। अतः इस प्रकार निम्न आकार की केबल का चयन किया जा सकता है। 3/20 जिसकी धारा क्षमता 15 एम्पियर है,
7/22 जिसकी धारा क्षमता 20 एम्पियर है। इसका चयन तभी करेंगे यदि परिपथ अधिक लंबा हो तथा वोल्टतापात सीमा से अधिक हो रहा हो। 2.5 मिलीमीटर की ऑटो वायर जिसकी धारा क्षमता 18 एम्पियर है। अतः इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे धारा क्षमता के अनुसार केबल की तालिका द्वारा केबल का चयन कर लिया जाता है। अब हम तारों में होने वाला वोल्टतापात तथा विद्युत क्षति यानी लाइन लॉसेस की गणना करना भी सीखेंगे। आईई नियम 54 के अनुसार उपभोक्ता को मिलने वाली सप्लाई के मुताबिक किसी उपभोक्ता के मीटर पर प्राप्त होने वाला वोल्टेज कम और ज्यादा प्लस माइनस 5% होना चाहिए। यदि मीडियम और हाई वोल्टेज है तो प्लस माइनस 12% होना चाहिए। अतः किसी भी केबल का चुनाव करते समय हमें उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप की गणना हम निम्न सूत्रों द्वारा आसानी से कर सकते हैं तथा हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप लंबाई के समानुपाती होता है। अब हम सिंगल फेस एसी और डीसी में वोल्टेज ड्रॉप की गणना करना सीखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप बराबर धारा गुणा केबल का कुल प्रतिरोध बराबर 2×I×R। 2 यहां पर इसलिए आया है क्योंकि डीसी व सिंगल फेस एसी में हम 2 कोर की तारों को प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए दोनों कोरों में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है। सूत्र में आई धारा को व आर कंडक्टर के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट ड्रॉप प्रति मीटर के हिसाब से केबल की तालिकाओं में लिखा रहता है। वोल्टतापात को सूत्र द्वारा भी निकाला जा सकता है। आइए अब हम वोल्टतापात को निकालने वाले सूत्र का अध्ययन करेंगे। वोल्टतापात बराबर केबल की लंबाई गुणा विद्युत भार की धारा बटे 1 वोल्ट ड्रॉप के लिए केबल की लंबाई जिसको कि केबल तालिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है केबल की धारा क्षमता। 3 फेज परिपथों में वोल्टेज ड्रॉप निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। वोल्टेज ड्रॉप बराबर 1.732×I×R या √3×I×R, जहां आई धारा को व आर प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। विद्युत क्षति को ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्रों को प्रयोग में लाते हैं। विद्युत क्षति बराबर I²×R वाट में। यदि हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी हो जिसको कि हम किलोवाट प्रति घंटा में प्रदर्शित करते हैं, तब यह सूत्र होगा विद्युत ऊर्जा बराबर I²×R×T, जहां टी समय को प्रदर्शित कर रहा है व इसको हम घंटे के हिसाब से रखते हैं। अब हम वोल्टेज ड्रॉप तथा विद्युत क्षति निकालने की प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण 1, एक होस्टल भवन में जिसका विद्युत भार 40 एम्पियर है तथा ऊर्जा मीटर से सर्विस पोल की दूरी 32 मीटर है। भवन में लगने वाली एल्यूमिनियम की केबल के माप की गणना
वोल्टतापात के आधार पर कीजिए, जबकि सप्लाई वोल्टेज एक फेस 230 वोल्ट है। इसको हल करने के लिए आइए देखते हैं कि कुल धारा बराबर 40 एम्पियर। भारतीय विद्युत अधिनियम में वर्णित निर्धारित वोल्टतापात की सीमा निम्न होती है। निर्धारित वोल्टतापात बराबर 1/(+) सप्लाई वोल्टेज का 2% मान रखने पर बराबर 1/4.6 = 5.6 वोल्ट होगा। अतः वोल्टतापात की सीमा 5.6 वोल्ट तक हो सकती है, यानी 230 में 5.6 वोल्ट अधिक अथवा कम हो सकती है। अब वोल्टतापात को निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। वोल्टतापात बराबर केबल की लंबाई गुणा विद्युत भार की धारा बटे 1 वोल्ट ड्रॉप के लिए केबल की लंबाई गुणा केबल की धारा क्षमता। अब केबल का चुनाव करने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तिका में दी गई तालिका नंबर 23.3 की सहायता से हम एक केबल का चुनाव करते हैं, जिसका की आकार 16 वर्ग मिलीमीटर है व उसकी धारा वहन क्षमता 43 एम्पियर है, क्योंकि विद्युत भार भी 40 एम्पियर है। अतः हम 16 वर्ग मिलीमीटर की केबल का चुनाव कर सकते हैं। तालिका के अनुसार इस केबल में 1 वोल्ट ड्रॉप 5.4 मीटर की लंबाई पर हो जाता है, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। अब इस मान को सूत्र में रखने पर वोल्टतापात बराबर 32×40/5.4×43। सरल करने पर इसका मान 5.51 वोल्ट आ रहा है, जो कि 5.6 वोल्ट की निर्धारित सीमा में ही है। अतः हम 16 वर्ग मिलीमीटर की केबल, जिसकी धारा वहन क्षमता 43 एम्पियर है, का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। विद्युत क्षति की गणना करने के लिए उपरोक्त उदाहरण में हम निम्न सूत्र को प्रयोग में लाएंगे। विद्युत क्षति बराबर I² × R वाट में, विद्युत ऊर्जा बराबर I² × R × T, जहां T समय को प्रदर्शित कर रहा है, व विद्युत ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा में व्यक्त की जाएगी। अब वोल्टतापात बराबर 2×I×R और वोल्टतापात बराबर 5.51 वोल्ट तथा धारा का मान 40 एम्पियर है, तब प्रतिरोध बराबर वोल्टतापात बटे 2×I होगा। सूत्र में मान रखने पर 5.512×2×40 होगा। सरल करने पर इसका मान 0.0689 ओम आएगा। अब विद्युत क्षति को निकालने के लिए I² × R में मान रखने पर 40×40×0.0689 रखने पर 110.24 वाट आएगा, जबकि धारा 40 एम्पियर होगी। अतः यहाँ पर यह गणना भी की जा सकती है कि एक दिन में कितनी ऊर्जा हानि होगी अथवा एक महीने में
अथवा एक साल में कितनी ऊर्जा की हानि हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, अतः एक दिन में हुई हानि ज्ञात करने के लिए मान रखने पर 110.24 वाट गुणा 24 घंटे, और यदि इसको 1000 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त राशि किलोवाट प्रति घंटा में होगी, जो कि 2.64 यूनिट होगी। अतः एक दिन में हुई हानि बराबर 2.64 यूनिट प्रतिदिन होगी यदि उस केबल में 40 एम्पियर धारा बहेगी। इस प्रकार यदि एक महीने में हुई हानि निकाली जाए तब 110.24 वाट गुणा 24 घंटे गुणा 30 दिन, और यदि इसको 1000 से भाग किया जाए तब यह किलोवाट प्रति आवर में आएगी, बराबर 79.37 यूनिट होगी, जबकि केबल में 40 एम्पियर की धारा बह रही होगी। आइए अब हम एक और उदाहरण करेंगे। एक रिहायशी बड़े भवन का विद्युत भार 6 किलोवाट है, जिसको 220 वोल्ट एक फेस एसी सप्लाई से जोड़ा जाना है, तथा सबसे नजदीक खंभे की दूरी 40 मीटर है। केबल के साइज की वोल्टतापात के आधार पर गणना करिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम में वर्णित निर्धारित वोल्टतापात की सीमा निम्न होती है। निर्धारित वोल्टतापात बराबर 1/(1) सप्लाई वोल्टेज का 2%, सरल करने पर बराबर 1.4.4 बराबर 5.4 वोल्ट होगा। अतः वोल्टतापात की सीमा 5.4 वोल्ट प्लस माइनस होगी। विद्युत भार 6000 वाट है व वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि शक्ति गुणांक 1 मान लिया जाए तो धारा का मान I बराबर W/V होगा, यानी 6000/220 बराबर 27.27 एम्पियर होगा। तालिका नंबर 23.3 के अनुसार चयनित केबल का आकार 27.27 एम्पियर विद्युत धारा क्षमता के अनुसार 6 वर्ग मिलीमीटर का होगा, जिसकी धारा क्षमता 28 एम्पियर है, तथा 1 वोल्ट ड्रॉप 4 मीटर की लंबाई पर होता है। सूत्र के अनुसार वोल्टतापात बराबर केबल की लंबाई गुणा विद्युत भार की धारा बटे 1 वोल्ट ड्रॉप के लिए केबल की लंबाई गुणा केबल की धारा क्षमता, मान रखने पर 40 × 27.27 / 4, जो कि तालिका द्वारा प्राप्त हुआ, गुणा 28, सरल करने पर 9.7 वोल्ट आया। अतः वोल्टतापात निर्धारित सीमा से अधिक है, अतः हम 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल से बड़े साइज की केबल का चुनाव करेंगे। अब हम 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल से एक बड़े साइज की गणना करते हैं, जो 8 वर्ग मिलीमीटर है। अतः सूत्र में रखने पर 40 × 27.27 / 4.6, जो तालिका 23.3 द्वारा प्राप्त हुआ है, गुणा 36, सरल करने पर यह मान 6.58 वोल्ट प्राप्त हो रहा है।
जो अभी भी निर्धारित सीमा से अधिक है। अतः अब हम फिर एक और बड़े केबल की साइज का चुनाव करेंगे, जो कि 10 वर्ग मिलीमीटर का होगा, जिसकी धारा क्षमता 43 एम्पियर है तथा 1 वोल्ट का वोल्टतापात 5.2 मीटर पर होता है। सूत्र में मान रखने पर 40 × 27.27 बटे 5.2 × 43। सरल करने पर यह मान 4.87 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अतः अब वोल्टतापात निर्धारित सीमा में है, जो कि 5.4 वोल्ट थी, और हम 16 वर्ग मिलीमीटर की केबल, जिसकी धारा वहन क्षमता 43 एम्पियर है, का चुनाव कर सकते हैं। यद्यपि भवन के विद्युत भार की धारा क्षमता तो 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल में ही प्राप्त हो गई थी, परंतु वोल्टतापात के कारण हमें अधिक धारा क्षमता की केबल का चुनाव करना पड़ा, परंतु यह उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। अर्थात यदि उपभोक्ता चाहे तो 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल का चुनाव भी कर सकता है, चाहे वोल्टतापात कुछ भी हो। विद्युत क्षति की गणना करना। उपरोक्त उदाहरण में विद्युत क्षति की गणना करने के लिए निम्न सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है। विद्युत क्षति बराबर I² × R वाट में व विद्युत ऊर्जा बराबर I² × R × T। अब वोल्टतापात बराबर 2 × I × R होगा। तो वोल्टतापात 4.87 वोल्ट प्राप्त हुआ था तथा धारा का मान 27.27 एम्पियर है। तब R बराबर वोल्टतापात बटे 2 × I होगा। तो इस प्रकार सरल करने पर प्रतिरोध 0.089 ओम प्राप्त होगा। अतः विद्युत क्षति बराबर I² × R होगी, यानी 27.27 × 27.27 × 0.089 बराबर 66.185 वाट होगी, जबकि धारा 27.27 एम्पियर बह रही है। यहाँ पर यह गणना भी की जा सकती है कि एक दिन में कितनी ऊर्जा हानि होगी। हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, अतः एक दिन में हुई हानि बराबर 66.185 × 24 घंटे। उसको 1000 से भाग करने पर यह राशि किलोवाट प्रति घंटा में प्रदर्शित हो जाएगी, अतः बराबर 1.58 यूनिट अर्थात किलोवाट आवर की हानि प्रतिदिन होगी, यदि उस केबल में 27.27 एम्पियर धारा बहेगी। यदि धारा कम होगी तो ऊर्जा क्षति भी कम होगी। अब आपकी जानकारी के लिए केबलों के चयन हेतु कुछ तालिकाएं प्रदर्शित की जा रही हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी हैं। आप अनुदेशक महोदय की सहायता से इन तालिकाओं का विस्तृत अध्ययन कीजिए।
डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से अभिप्राय ये है कि किसी भवन में कभी भी पूरा 100% भार उपयोग में नहीं आता है, अतः हमेशा भार कुछ कम रहता है, क्योंकि सभी उपभोग बिंदु एक साथ नहीं चलाए जाते हैं। अतः कुल संयोजित भार तथा कुल उपयोग में आ रहा भार के अनुपात को डाइवर्सिटी गुणांक अर्थात डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं, तथा यह प्रतिशत में दिया जाता है। यदि डाइवर्सिटी फैक्टर को संयोजित भार से गुणा किया जाए तो हमें सामान्य विद्युत भार अर्थात एवरेज लोड प्राप्त हो जाता है। दिखाई गई तालिका में भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत डाइवर्सिटी से संबंधित कुछ मानक स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके आधार पर हम डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए विद्युत भार की गणना कर सकते हैं। प्रकाश पंखा परिपथ और विद्युत परिपथ में डाइवर्सिटी की गणना करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, किंतु मुख्य केबल का चुनाव करते समय यदि डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा जाए तो विद्युत कार्य मित व्ययता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। कक्षा कार्य। विद्यार्थी कृपया बताएं, लोड की गणना करते समय अनुमानित विद्युत भार तालिका का क्या महत्व है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा मेन स्विच का चयन किन बातों पर निर्भर होता है? सारांश। इस प्रकार इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमने जाना कि भवन की विद्युत भार की गणना कैसे की जाती है, वह विद्युत भार के अनुसार मेन स्विच, वितरण बोर्ड आदि की क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, केबल का चयन कैसे किया जाता है, वह तारों में होने वाले वोल्टतापात तथा ऊर्जा हानि की गणना किस प्रकार की जाती है।